हेलो वीरो, तो क्या हाल है आपके? आई होप यू गाइज आर फाइन। तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि अपनी बॉडी को गेन करने के लिए कौन सा सप्लीमेंट यूज करें। तो मैंने देखा है गाइज कि 90% ऑफ द पीपल गेनर्स का यूज करते हैं, जो कि एक वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि गेनर आपका मसल तो बढ़ाते हैं बट साथ ही साथ आपका फैट भी बढ़ाता है, जो आपकी बॉडी को बहुत ही गंदा लुक देता है। तो गेनर आपके मसल मास को तो इंक्रीज करता ही है बट साथ ही साथ आपकी बॉडी में फैट दे जाता है, आपके चेस्ट के अराउंड, आपकी बेली के अराउंड, जो कि आपको एक बहुत ही अगली लुक देता है। तो आपको गेनर्स तो यूज नहीं करने चाहिए। तो गाइज आज मैं आपके लिए ऐसा सप्लीमेंट लेके आया हूँ जो आपके मसल मास को इंक्रीज करेगा, आपके फैट लॉस को प्रमोट करेगा एट द सेम टाइम। और लोगों को इस प्रोडक्ट के लिए काफी सारी क्वेरीज हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सप्लीमेंट है मॉन्स्टर जेनिक्स का मायड्रोल एल्फा। तो गाइस सबसे पहली बात कि ये एक स्टेरॉयड नहीं है, एक सप्लीमेंट है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक प्लांट के थ्रू एक्सट्रैक्ट करे गए हैं। और दूसरी बात, अगर एक स्टेरॉयड होता ये अमेजोन जैसी कंपनी पे नहीं मिलता। तो ये एक स्टेरॉयड नहीं है, इट इज़ अ सप्लीमेंट। तो गाइस मायड्रोल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं बॉडी बिल्डिंग में, जैसे हेल्प करता है आपके मसल मास को इंक्रीज करने में, आपके मसल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी 60% तक इंक्रीज कर देता है। एंड यू विल फील मोर पावरफुल, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ को भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने में बहुत मदद करता है। और अगर पर्सनली बताऊं तो मैं भी ये सप्लीमेंट यूज कर रहा हूं, मुझे 15 डेज हो चुके हैं सप्लीमेंट को यूज करते हुए और काफी ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है मुझे ये, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है मेरी स्ट्रेंथ, लाइक 30-40% इंक्रीज हुई है मेरी स्ट्रेंथ। एंड गाइस साथ ही साथ मेरा मसल मास भी इंक्रीज हुआ है, जैसे मुझे फर्क पता लग रहा है। तो गाइज अगर हम बात करें डाइट की, तो जैसे आप सारे जानते हैं कि हमारी बॉडी बिल्डिंग में इस 70% इज योर डाइट, 25% इज योर वर्कआउट एंड जस्ट 5% इज सप्लीमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सिर्फ सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाए कि आपकी ये बॉडी बना लेगा। आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा योर डाइट, योर सप्लीमेंट, योर वर्कआउट, योर रेस्ट एंड स्पेशली डाइट, क्योंकि 70% इज योर डाइट। तो आपको डाइट पे ज्यादा ध्यान देना है। एंड हाँ गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, आपको एक बहुत जरूरी चीज बता दूं कि ये सप्लीमेंट लेते हुए मे भी शायद आपको भूख ज्यादा लगे, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, एक चीट मील की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी डाइट लोगे तो ही इस सप्लीमेंट के प्रॉपर फायदे ले पाओगे। बाकी इसके रिजल्ट्स तो 30 डेज के बाद ही पता लगते हैं और मुझे सिर्फ 15 डेज हुए हैं, जैसे इसके कंटेनर पे लिखा है कि 30 डेज बाद इसके रिजल्ट्स पता लगेंगे। तो ये वीडियो मैंने एक प्रोडक्ट रिव्यू के लिए बनाई थी कि मायड्रोल क्या चीज़ है, एक स्टेरॉयड है या सप्लीमेंट है। तो इस वीडियो में आपको पता लग चुका है दैट इट इज़ अ सप्लीमेंट। और बाकी इसके जो 15 डेज के बाद जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो मैं अपने इंस्टा हैंडल पे शेयर करूंगा, उस पे भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, टू बीज हेल्दी।